व्यूज कंप्यूटर में आज हम लोग एक नई सीरीज का आगाज करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर में मस्ट हैं और मस्ट कंप्यूटर में के पेपर में आएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज में आए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आए। तो अपना लेक्चर नंबर वन स्टार्ट करते हैं और ये वो गेस है जो 100% एग्जैक्ट गेस है और इसमें से पेपर मस्ट आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको इसको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा कि आपको कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स दे दी जाएंगी और उसके साथ कहा होगा कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखो। इस तरीके से आपको जनरेशन का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके साथ कंप्यूटर की डेफिनेशन का कहा होगा। अगर आपने इस कंप्यूटर की डेफिनेशन देखनी है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस लेक्चर देख सकते हो वीडियोस में, तो इसको कवर करवा दिया हुआ मैंने। तो अब अगली डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है इनपुट, ठीक है, व्हाट इज इनपुट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है तीनों फॉर्मेट्स में, आपका एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि 2+2 और उसके ऊपर होगा वर्ग, वर्ग के बाद आएगा 4, 2+2 का आंसर मेरे पास 4 आ रहा है। तो व्हाट इज ये पहले ये वाला सारा प्रोसीजर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उस प्रोसीजर के ऊपर लेके जाऊंगा। तो 2+2 क्या है मेरे पास, वो इनपुट है। तो एनीथिंग व्हिच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर दैट पर्पस इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स इज कॉल्ड एज इनपुट यूनिट। तो तीनों डेफिनेशन का जवाब मैंने एक लाइन में ही दे दिया। अगर ये सब में आप यही लाइन लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर मस्त दे देगा। आप यही लाइन रट्टा लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो। अगर आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के याद करना है, तो आप इनपुट की डेफिनेशन को अलग कर सकते हो, इनपुट डिवाइस को अलग कर सकते हो एंड इनपुट यूनिट को अलग कर सकते हो। आपके पास नोट्स अपने मौजूद होंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी, आप वहां से भी याद कर सकते हो। सो जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे होते हैं ना, वो हमारे पास डेटा होता है। एनीथिंग विच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो भी कंप्यूटर को देते हैं वो इज कॉल्ड एज इनपुट। तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, जस्ट आपने इनपुट की जगह पे डेटा को पुट कर देना है। डेटा की एक और डेफिनेशन आती है आपकी बुक में, द फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड एज डेटा। मतलब एनीथिंग, जो भी आप फैक्ट्स देते हो, जो भी आप फिगर्स देते हो कंप्यूटर को, वो डेटा कहलाता है। तो ये आप तकरीबन 4 डेफिनेशन, ये भी क्लियर हो गई आपके सामने। अब इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही थी, 2+2 के ऊपर जो हो रही थी वर्किंग, उस वर्किंग को कहते हैं प्रोसेसिंग। अब व्हाट इज प्रोसेसिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली चीज को उठा लो और उसको उसी तरीके से उसके ऊपर काम कर दो। लेट्स सपोज कि अगर मुझे 2+2 को ऐड करना था और उसका 4 आंसर देना था, तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, पहले वो फर्स्ट डिजिट उठाएगा 2 को, देन वो देखेगा कि दूसरा मेरे पास डिजिट क्या है, वो भी 2 है, सेकंड वैल्यू देखेगा एंड देन वो देखेगा कि इसके ऊपर मैंने काम क्या करना है, व्हाट आई हैव डन ऑन दिस, वेदर आई हैव टू एड इट और सब्ट्रैक्ट इट और मल्टीप्लाई इट। तो जो भी इसको करना पड़ेगा वो प्रोसेसिंग में देखेगा, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड एंड देन उसके ऊपर देखेगा कि उसको करना क्या है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसको मैं प्रोसेसिंग कहता हूँ। उसके बाद आ जाओ जी 4, जो 4 मेरे पास आंसर आया था, 4 के ऊपर मैंने लिखा है आउटपुट। एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज आउटपुट एंड द डिवाइसेज यूज्ड फॉर दैट पर्पस इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स इज कॉल्ड एज आउटपुट यूनिट। अगर आउटपुट यूनिट की आप अलग से लिखना चाहते हो या इनपुट अलग यूनिट की अलग से लिखना चाहते हो, तो आप इनमें यह भी लिख सकते हो, इनपुट यूनिट ऑफ कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज, और उनकी डेफिनेशन लिख सकते हो आगे इनपुट डिवाइसेज की, तो आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आउटपुट यूनिट में लिखना है, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेज और उनकी डेफिनेशन लिखोगे, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में रहेगा जी इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डेटा मैंने उसको दिया था उसके ऊपर हुई प्रोसेसिंग और जो मेरे पास रिजल्ट आया वो मेरे पास क्या था, इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैंने तकरीबन आपको 10 क्वेश्चन लिखवाए हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज इनपुट यूनिट, व्हाट इज आउटपुट यूनिट, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज डाटा। तकरीबन 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर कट करवाए हैं और आपको ये मैंने समझाया है। और अगर आप कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो ये चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए और कंप्यूटर के पेपर में ये चीजें मस्ट आती हैं, चाहे जिस मर्जी फॉर्मेट में आए, चाहे वो एमसीक्यूज में आए, लॉन्ग क्वेश्चन में आए या शॉर्ट क्वेश्चन में आए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको अगले क्वेश्चंस का बताऊंगा जो कंप्यूटर के पेपर में मस्ट आएंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।